गाइज हमारे रियल लाइफ में हर दिन कोई ना कोई न्यू बाइक एक्सीडेंट या फिर कार एक्सीडेंट की न्यूज हरदम सुनने को मिलती रहती है। और बात कीजिए हमारे फ्री फायर कम्युनिटी की, तो फ्री फायर कम्युनिटी की बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी एक टाइम पे बाइक एक्सीडेंट हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इनमें से कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी बाइक एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा ही चोट आई है, बट वहीं पे कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी बाइक एक्सीडेंट में डेथ भी हो चुकी है। इसलिए आज की वीडियो आपको फ्री फायर के 5 बड़े बड़े यूट्यूबर की बाइक एक्सीडेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए एक इंट्रो के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. फिफ्थ नंबर पे यूट्यूबर के बारे में बात कर ले तो उनका नाम है टाइटेनियम गेमर, जिनके अभी यूट्यूब पे 2.9 मिलियन करीब सब्सक्राइबर है। आप में से बहुत सारे बंदे इनको जानते भी होंगे। आज से करीब 2 साल पहले इनकी भी एक बाइक एक्सीडेंट हो चुकी थी और बाइक एक्सीडेंट में इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। और आप लोग इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो जिसमें इन्होंने बोला था कि 10 दिन तक लाइव नहीं होगा क्योंकि इनको एक हाथ से बहुत ज्यादा चोट देखने को मिली थी। तो वैसे कितने बंदे टाइटेनियम गेमर के बारे में जानते हैं और इनके एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं मेरे कमेंट्स में एक बार जरूर बोल देना। बात कर ले इनकी एक्सीडेंट की, तो अभी के टाइम पे तो ये यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहते, बट इनकी एक्सीडेंट आज से 2 साल पहले हुई थी जिसमें इनको बहुत ही चोट आई थी। तो फोर्थ नंबर पर जो यूट्यूबर आते हैं जिनकी एक बाइक एक्सीडेंट एक टाइम पे हो चुकी है, उनका नाम है ब्लैक गेमर। उनकी बाइक एक्सीडेंट आज से 1 साल पहले हुई थी और ब्लैक गेमर के बारे में अपने से बहुत कम बंदे जानते होंगे। अभी के टाइम पे यूट्यूब पे सर्च करो ब्लैक गेमर तो इनका चैनल नहीं आएगा। बात कर लीजिए इनकी बाइक एक्सीडेंट के बारे में, तो इनकी बाइक एक्सीडेंट 1 साल पहले हुई थी जिसमें इनको बहुत ही चोट आई थी। आप लोग इस स्क्रीन पे इमेज देख सकते हो, मैं इस इमेज को क्लियर नहीं दिखा सकता क्योंकि तुमको पता होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी यूट्यूब तरफ से हमें आ सकती है। और इनकी एक्सीडेंट के बाद इनकी इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी लगाई जाती है जिसमें बोला गया था कि 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आएगी और ये स्टोरी इनकी छोटे भाई ने पोस्ट करी थी। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड नंबर पे। तो नंबर थर्ड पे जो यूट्यूबर आते हैं उनका नाम है नितिन फ्री फायर एंड दहिया भाई। इनकी बाइक एक्सीडेंट कुछ टाइम पहले ही हुई थी, 2-3 दिन पहले इनकी बाइक एक्सीडेंट हुई है जिसमें नितिन भाई को बहुत ज्यादा ही चोट आई है। वैसे एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि ये नितिन फ्री फायर है, बट इसमें 100% रियलिटी नहीं है। आप लोग इस वीडियो पर पूरा भरोसा मत करना क्योंकि ये वीडियो फेक भी, इस टाइम पे बहुत सारी फेक वीडियो सामने निकल के आती है। और नितिन फ्री फायर और दहिया भाई के बारे में बात कर ली जाए तो इनकी एक्सीडेंट बहुत ज्यादा ही बड़ी है, लाइक मतलब बहुत दिन तक वीडियो इनको नहीं आएगी। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है जो कि तुम लोगों ने देखा होगा या बहुत सारे बंदों ने नहीं देखा होगा, जाके आप लोग देख सकते हो। एंड नितिन फ्री फायर के एक्सीडेंट के बाद नितिन फ्री फायर के चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट आती है जिसमें सबको बताया जाता है कि नितिन फ्री फायर और दहिया भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। चलो इनके बारे में तो आप लोग सभी बंदे जान गए होंगे, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बट आगे बढ़ने से पहले तुम लोग यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जितने बंदे चैनल पे नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मेरे को पता है कर दोगे तो भाई समझ के एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग मेरे से बात करना चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तुम लोग वहां पे चाहो तो मेरे को फॉलो और मैसेज कर सकते हो। सेकंड नंबर पर बात कर ली जाए तो सेकंड नंबर पे जो बाइक एक्सीडेंट आती है इसमें किसी को चोट नहीं लगी थी बट इनकी डेथ ही हुई थी और इनका नाम है राहुल केके। और राहुल केके के बारे में तुम में से बहुत कम बंदे जानते होंगे, बट जो बंदे अभिषेक वाईटी को जानते हैं, तोंडे गेमर को जानते हैं, वो सारे बंदे राहुल केके को जानते होंगे। अच्छा 1 साल पहले इनकी बाइक एक्सीडेंट हो गई थी और इस एक्सीडेंट के बाद अभिषेक वाईटी अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से सभी लोगों को बताते हैं। एंड ये न्यूज सुनकर अभिषेक वाईटी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वैसे कितने बंदों को इस एक्सीडेंट के बारे में पहले से पता थी मेरे कमेंट्स में यस करके जरूर बोल देना। नंबर 1 पे कौन यूट्यूबर आता है, हमें से मैक्सिमम बंदों को पता चल गए होगी नंबर 1 पे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। तो मैं बात कर लूँ नंबर 1 के बारे में, हमारे फ्री फायर के एक लेजेंड प्लेयर जिनका नाम है स्काईलॉर्ड। स्काईलॉर्ड भाई के बारे में तुमसे सारे बंदे जानते होंगे, मेरे को इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो ना, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ज्यादा इनके बारे में मतलब समझ लो यार तुम लोग, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे बंदे आप लोग इनके बारे में जानते हो। आप लोग स्काईलॉर्ड भाई को मानते हो तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर से मिस यू स्काईलॉर्ड भाई कमेंट कर देना। तो हाँ, मैंने पीछे जितने भी 5 यूट्यूबर के बारे में बताया है इन 5 में से आप लोग कितने बंदों को पहले से जानते हो ये भी मेरे कमेंट में जरूर बोल देना। एंड चलो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।